हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरसी ट्रेडर्स में। ट्रेडर्स, अभी हम बात करने वाले हैं एचजीएक्स निफ्टी की, और आज के सत्र में जो बैंक निफ्टी की एनालिसिस है उसको, और आज से हम यूट्यूब पर लाइव आने वाले हैं। तो आज के बाद हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिएगा, और साथ में ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहाँ भी जुड़ जाइएगा। चलिए हम एनालिसिस करते हैं। देखिए, एचजीएक्स निफ्टी, नैसडैक, इस समूह में भारी बढ़त देखने को मिला है, राइट। एचजीएक्स, नैसडैक, यहाँ पे सैक में भी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ तक कि और भी ताइवान वगैरह सब में, मतलब ताइवान और हांगकांग और यहाँ तक कि शंघाई में भी सब में बढ़त है। उसके साथ ही एडीआरस को देख लीजिए, बैंक निफ्टी की एडीआरस, बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स है जिसके एडीआरस को हम देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एडीआरस देखिएगा, तो एक्सिस बैंक एडीआरस देखिएगा तो 1%, डॉक्टर रेड्डी के भी 1% है, और उसी तरह से एक और देखिएगा एचडीएफसी बैंक के एडीआरस को, तो यहाँ पे 3.5% तक का है। आईसीआईसी बैंक के एडीआरस को देखिएगा तो 3.5% तक का है। इसका ये मतलब है कि, और साथ में एडीआरस के साथ अगर देखिएगा तो टाटा मोटर्स के एडीआरस को देखिए, मतलब 4.5% का भी बढ़त डॉक्टर रेड्डी एडीआरस में है, और विप्रो में भी 2% तक के बढ़त है अप्रॉक्स। तो मतलब ओवरऑल मार्केट्स के अंदर आज तेजी देखने को मिलेगा बैंकिंग सेक्टर में, टाटा मोटर के स्टॉक्स में, और साथ में टेक्निकल आईटी सेक्टर में भी देखने को मिल सकता है एज पर आवर एडीआरस और ग्लोबल मार्केट। ट्रेडर्स, तो आज तो एक्सपायरी है, आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। आप यहां पर अगर देखिएगा तो ओपन इंटरेस्ट क्या है, 1 से ज़्यादा है, 1.1, इसका मतलब 1.1, इसका मतलब 1 से ज़्यादा है, तो मार्केट्स के अंदर तेजी है। और ऊपर से अगर देखिएगा कि सबसे ज़्यादा ओआई बिल्डअप, ओआई चेंजेज कहां पे हुआ है, कल के सत्र में सबसे ज़्यादा कहां पे नंबर ऑफ शेयर्स ऐड हुए हैं आइदर पुल, पुट और कॉल में, तो यहां पे ओआई चेंजेज आपको देखना जरूरी है। यहां पे देखिएगा करीबन 10 से 11 लाख के करीब में पुट ऑप्शन, येलो कलर जो इंडिकेट करता है पीला कलर, वो पुट ऑप्शन को करता है, और ब्लू कलर जो इंडिकेट करता है कॉल ऑप्शन को, तो 13 लाख 11 लाख के करीब में कॉल ऑप्शन है 38,300 पे। देखिए, 38,300 के नीचे अगर निकलता है तो वो आपको यकीन मानिए 37,900 तक भी जा सकता है, ठीक है। 38,300 के नीचे अगर आता है तो ये आपको 37,900 और उससे भी नीचे भी दिखा सकता है। अपर साइड जाता है तो 38,800 से लेकर 900 तक जा सकता है, 38,800 से लेकर 39,000 भी जा सकता है आज के सत्र में। और जिस प्रकार से ग्लोबल मार्केट पॉजिटिवनेस है, वो समझ लीजिए कि आपको मार्केट्स के अंदर 39,000 तक आपको देखने को मिल सकता है, 39,000 प्लस, ठीक है, 39,000 प्लस तक का मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है। और साथ में कुछ ऐसे स्टॉक्स है ट्रेडर्स जिसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, जैसे कि आपको आईआरसीटीसी के रिजल्ट एकदम फारू है आज के सत्र में। इसके कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को आप रख सकते हो बिंदास, राइट, बिंदास पुल कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को बाई करके, कॉल ऑप्शन को बाई करके पैसा बनाया जा सकता है। आईआरसीटीसी के बाद हिंडाल्को, हिंडाल्को में आपको रखने की जरूरत है, हिंडाल्को ये अच्छा पैसा दे सकता है। हिंडाल्को के साथ साथ आपको अडानी पोर्ट्स के स्टॉक्स को आप रखिएगा, अडानी पोर्ट्स को के 800 के कॉल ऑप्शन को आप जरूर बाई करके होल्ड कर सकते हैं, और होल्ड कीजिएगा 2-4 दिन, तो आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। अडानी पोर्ट्स, आईआरसीटीसी, हिंडाल्को और एचडीएफसी लिमिटेड और टाटा केमिकल, एचडीएफसी लिमिटेड और टाटा केमिकल के भी 1100 का कॉल ऑप्शन आप रख सकते हो, ठीक है, कॉल ऑप्शन। और टाटा मोटर्स के जिस प्रकार एडीआरस में इंडिकेशन दे रहे हैं, उसमें टाटा मोटर्स के 460 का कॉल ऑप्शन आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, ठीक है। तो 460 का कॉल ऑप्शन टाटा मोटर में, और जो भी कॉल ऑप्शन बताया हूं आज के सत्र में, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।